नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कंपनी एग्जाम होते हैं उसका तैयारी करते हैं। आज क्या देखेंगे, झारखंड सचिवालय में जो आपका भाषा पेपर है जिसमें लोग खोरठा पढ़ रहे थे, तो खोरठा में आपका एक कहानी बुक है जिसका नाम है छाहिर, और छाहिर में 10 कहानी है जिसमें से एक दो कहानी हो चुका है। और अभी जो आपका चल रहा है प्रेजेंट में, हम जिएब कैसे का पार्ट वन अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज जो चलेगा हम जिएब कैसे का पार्ट टू चलेगा, ठीक है, और इसमें लोग कहानी आगे देखेंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए विशेष सूचना है, झारखंड सचिवालय में जो खोरठा पेपर है इसके लिए आपको पता होगा कि टारगेटपुर की जो टीम है आप लोगों के लिए लगातार मतलब मेहनत कर रही है। और खोरठा में आपका 11 बुक है सिलेबस में, और उस 11 बुक का कंप्लीट वीडियो जो हम आप लोगों को लगातार पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो आप लोगों को कहाँ मिलेगा, मतलब हमारा एप्लीकेशन जो है टारगेटपुर में। अभी उसमें छाहिर पुस्तक का जो है सो 18 वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है, 18 वीडियो अपलोड हो चुका है। एक दो क्लास और चलेगा उसमें और आपका क्या हो जाएगा, एक बुक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वहाँ क्या करेंगे, दूसरा बुक पढ़ेंगे। तो उसमें जो अभी तक मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं खोरठा के लिए, तो आप क्या करें, टारगेटपुर का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लें। इसके बाद आपको क्या होगा कि खोरठा का जो कंप्लीट वीडियो है 11 बुक का वहाँ पे आपको मिलेगा। फिलहाल 18 वीडियो अपलोड है और पर डे वीडियो अपलोड हो रहा है। इसके अलावा जैसे ही कोई चैप्टर ख़त्म होता है तो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर भी एक पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाता है। प्रत्येक चैप्टर में आपको 50 प्लस जो है सो ऑनलाइन क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जब कहानी पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन बनाते हैं तो कहीं समझिए कि आपका 100% तैयारी हो रहा है। इसके बाद ये जो ऑफर है आप देखेंगे 4 नवंबर तक ही है, ठीक है, इसके बाद इसका जो एप्लीकेशन में फ़ी है यह इंक्रीज हो जाएगा। फिलहाल आपका 1299 रुपया है, तो ध्यान रखेंगे कि ये 1299 रुपया आपको लग रहा है, और इतना कम फी में झारखंड में जितने भी संस्थान हैं या अन्य संस्थान हैं या फिर जितने भी यूट्यूब में मुझसे ऑनलाइन कोर्स चलता है, एप्लीकेशन है, पेड कोर्स है, कहीं भी 1299 रुपया में आपका कंप्लीट खोरठा का कोर्स नहीं करवाया जाएगा। हमारा जो टारगेट फूड टीम है यहाँ भी नहीं होगा, बट स्टार्टिंग में कुछ कैंडिडेट के लिए है, एक टारगेट है हम लोगों का, ये टारगेट अचीव हो जाएगा। फिर ये कोर्स का रेट 3 से 4 हज़ार के बीच में होगा। तो याद रखेंगे 4 नवंबर तक आपको 1299 रुपया लगेगा, आप खोरठा का कंप्लीट क्लास मतलब कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपको याद है कि अगर आप झारखंड जीके का, क्योंकि सचिवालय में 40 प्रश्न झारखंड जीके से रहेगा और इसमें से जेपीएससी की तरह नहीं है, कंप्लीट झारखंड है, ठीक है, तो 40 प्रश्न आपका कहाँ से रहेगा, झारखंड से रहेगा। तो अगर आप झारखंड का नोट्स लेना चाहते हैं जीके झारखंड के एज ए पीडीएफ, आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, तो झारखंड जीके का अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप 199 रुपये में क्या करें, एप्लीकेशन से जाकर परचेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और वहाँ परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का सेक्शन स्पेशल हिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री का भी नोट्स आपको 99 रुपये मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है झारखंड जीके का वीडियो, जिस तरह से खोरठा का वीडियो पर डे एप्लीकेशन में अपलोड हो रहा है उसी प्रकार से झारखंड जीके का भी वीडियो अपलोड होगा। तो आप क्या करेंगे, नोट्स भी अपने पास रखेंगे और वीडियो भी देखेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगा। इसमें क्या होगा, अभी क्लासेस का स्टार्ट नहीं हुआ है, इसमें केवल अभी एडमिशन चल रहा है, तो आप एप्लीकेशन जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और एडमिशन ले लीजिए 1 नवंबर से। याद रखेंगे कि 1 नवंबर से झारखंड जीके का भी वीडियो आपको मिलेगा कहां पर, एप्लीकेशन में, ठीक है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग अब क्या शुरू करेंगे, हम जीएब कैसे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इनमें से अगर कहीं आपको परेशानी होता है एप्लीकेशन में ज्वाइन करने में या फिर कोई कोर्स के बारे में जानने के लिए, तो फिर हमारा नंबर आप देख सकते हैं 9142943957, आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग पढ़ रहे थे हम जीएब कैसे, तो हम जीएब का पार्ट वन मतलब एक वीडियो अपलोड हो चुका है, आज जो पार्ट टू है, और इसमें हम जीएब कैसे उसमें जो छूट गया था, आधा स्टोरी हुआ था आधा बाकी था, तो आधा हम लोग इसमें देखेंगे। तो आप अगर इसके पहले का वीडियो पूरा अच्छी तरह से नहीं देखें तो आपको अच्छी तरह से देखें, तब आपको क्या होगा ये ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, इसके पहले देखे थे पार्ट वन में कि स्टोरी स्टार्ट होता है महेश्वर से,
मुख्य पात्र जो इसमें है कौन है, महेश्वर है। महेश्वर है, उसकी पत्नी है जिसका नाम पार्वती रहता है। और ये महेश्वर और पार्वती जो है अपना मतलब जहाँ पे वो रहता था बचपन में वहीं पर आता है, बहुत दिनों के बाद आता है, क्योंकि ये अपना गाँव छोड़ दिया था बचपन में ही, जब उसका शादी भी नहीं हुआ था। किसका? महेश्वर का। हल्का सा याद दिला देते हैं आपको पहले पढ़ें सो। तो महेश्वर जब मतलब बाहर जाता है काम करने के लिए, नौकरी वोकरी प्राप्त करने के लिए, तो वही बाहर में ही शादी कर लेता है जिसका नाम पार्वती रहता है। तो अपना गाँव तो बीच में वो शादी के बाद भी बहुत बार आता है, लेकिन अपनी पत्नी जो है पार्वती जो है उसकी जो बहू है महेश्वर की बहू है उसको कभी नहीं लाता है। तो बहुत दिनों के बाद प्रोग्राम बनाता है कि हम लोग 15-20 दिन का प्रोग्राम बनाते हैं, जो हमारा हित है, कुटुंब है, जो हमारे संबंधी है, इसके अलावा जो झारखंड के प्रमुख स्थान आप बोलिए लुगुधाम है या फिर पारसनाथ है, वो सब जगह घूमने के लिए और अपने हित कुटुंब के हाल चाल जाने के लिए वो सब घर से 15-20 दिन का प्रोग्राम बनाया। तो इसीलिए महेश्वर और पार्वती जो है सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, अपना गोतिया के यहाँ। गोतिया में उसका भतीजा रहता है, महेश्वर का भतीजा जिसका नाम क्या रहता है, रघु रहता है। तो रघु के पास पहुँचता है, शाम का बेला रहता है, शाम का बेला में अंधेला हो जाता है। उस गांव में एमसीसी का कहानी कि गांव के काफ़ी लोग एमसीसी बन चुके हैं जिसके कारण पुलिस से हमेशा मुठभेड़ होती है। तो जब ये महेश्वर का गाड़ी पहुँचता है, कहाँ पर पहुँचता है, उसका गाँव पहुँचता है, तो जितने भी मर्द लोग होते हैं, मर्द पुरुष लोग जितने होते हैं सब भाग जाते हैं, कोई लुका जाता है, ठीक है, लेकिन महिलाएं जो होती है वो जहाँ के तहाँ खड़ा रहती है। लेकिन गाड़ी के पास आने में थोड़ा सा मतलब झिझकती है, डर लगता है, समझे ना। इसके बाद क्या होता है, फिर वो अपना रघु के यहाँ जाता है, खटखटाता है, फिर रघु की जो पत्नी रहती है, जो बहू रहती है जिसका नाम फुलसरी रहता है, फुलसरी खोलती है, परिचय होता है। इसके बाद उसके यहाँ खाने पीने का कुछ व्यवस्था उस तरह से नहीं होता क्योंकि गरीब रहती है, तो वही सोचती है कि हम अपना काकी के मतलब पितिया सास के कोची खिए भाई, पितिया सास के कोची खिए भाई। तो बोलती है कि थोड़ा टेंशन लिए ना हो, ठीक है, रघु के बहू के फुलसरी बोलती है, कौन, महेश्वर की पत्नी पार्वती, बोला थोड़ा टेंशन लिए ना हो, रास्ता में आए घड़ी तो ननद के यहाँ मोहरी में हमने रुकर लिए और वहीं खाए पी के आए कर रही है, तो जे खिए भाई तो हमारा बिहान खिए हैं, ये बोलती है, कौन, पार्वती बोलती है। इसके बाद क्या आपने देखा कि पार्वती लेडीज़ है, तो फिर अपना दो ये जो क्या कहते थे उसका जो रघु था, रघु का पत्नी और उसका दो पोतो, वो सबके साथ घुल मिल जाती है, गप सप मतलब चलने लगता है। और जो ये महेश्वर बचता, महेश्वर चलता है किसके संग, रघु के संग। रघु कहता कि चला काका, हम बड़े दिन के बाद ही आए हैं, तो नीचे टोला जे है बेदिया टोला, हेड टोला, तो हेड टोला में जो लोगन है ओकर हालचाल लेवन कैसन है ना है, तो इतना दिन के बाद ही आए हैं। तो फिर बोलता चलो, लेकिन आपको बताते रघु वो ये नहीं बता पाता है, मतलब बोलता है कि हमको शराब पीना, क्योंकि रघु को दारू पीने का आदत रहता है, ठीक है, पर डे। तो उसका काका चला जाता है, जब काका चला जाता है उसके साथ, तो एक घर एक आदमी के पहुंचता है, एक महिला के यहाँ पहुंचता है, तो वहीं दरवाज़ा खटखटाता है, कनेगो कर्मी माए चुनिया। तो फिर चुनिया घर खोलती है, बोलती है हम लागी रघु, खोलता है, उसके बाद बोलता है दे एक बोतल दे और दो गिलास दे, तो एक बोतल देता है, दो गिलास देता है, दोनों गिलास में ढार देता है, ठीक है, ढारने के बाद एक गिलास घिसकाता अपना काका के पास, महेश्वर के पास। महेश्वर बोलता हम ना पिया ही भतीजा, तो बोलता है तब हम पिए पारी, रघु बोलता हाँ, तो महेश्वर बोलता ठीक है पी, हमारा कोई दिक्कत ना है। तो बड़ा मुश्किल से अपना लाज शर्म को हटाया कि अपना बड़े बुजुर्ग हैं मतलब घर का, तो बड़ा मुश्किल से लाज हटाया वो अपना, उसके बाद फिर वो पीने लगा। तो पीने के दौरान क्या हुआ, जो चुनिया थी, जो कर्मी की माँ है, जो चुनिया है, चुनिया का नज़र पड़ता है महेश्वर पर और महेश्वर का नज़र पड़ता है चुनिया पर, दोनों एक दूसरे को देखता है। देखने के बाद पता नहीं महेश्वर को बड़ा अजीब फीलिंग होता है, थोड़ा बुजुर्ग हो जाता है ना, तो बुजुर्गों का जीवन का तजुर्बा बहुत ज़्यादा होता है जीवन का हर क्षेत्र में। तो चुनिया का चेहरा देख के इसको लगता है कि चुनिया के साथ जरूर कुछ परिस्थिति है, दुख दर्द है। तो वही फिर महेश्वर पूछता है, क्या पूछता है, तो उस इतना तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। तो महेश्वर पास ही बैठल चुनिया के देखल, और चुनियों जो है सब महेश्वर के देखल, चुनिया देख रही महेश्वर को, महेश्वर देख रहा चुनिया को। तो इसको देखने के बाद नाना रकम का मतलब क्या, बहुत अलग अलग प्रकार के, ठीक है, नाना रकम का सवाल उठे लागल। उसका चेहरा देखकर इसको बड़ा अजीब लग रहा था, उस पूछने का मन कर रहा था कि इतना चेहरा में झुर्री कैसे पड़ गया है, चेहरा से पता चल रहा था कि कुछ उसके पास दुख दर्द है, ठीक है। तो महेश्वर कर नाना रकम सवाल उठे लागल, दिमाग में उसका पूरा सवाल उठने लगा, और वो जानती भी नहीं चुनिया को, जानता भी नहीं है। तो देखिए पूछ लाए, जब सवाल उठने लगा मन में तो क्या पूछ ले, आएगो तोर घरा के मालिक कहाँ हो, ये नहीं जानता है कि चुनिया का पति जिसका नाम डमरू रहता है वो मारा जा चुका है, एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ मारा जा चुका है, उन्हें जानता है। तो वही बोलता है कि आएगो
तोर घरा के मालिक कहाँ हो? तब चुनिया कोनो जवाब नहीं दल, चुनिया कोनो जवाब नहीं दल, नहीं मतलब क्या नहीं, तो चुनिया कोई भी जवाब नहीं दी और गते गते ओकर आँख ले लोर बहराए। गते गते मतलब कि धीरे धीरे जब पूरी दोस्तों आँख में क्या होने लगा, लोर आने लगा। लोर का मतलब क्या, अब वो लोर पड़े थे ना पहले, तो लोर का मतलब क्या, आंसू। चुनिया की आँख में आंसू भर आया, आँखें के लोर छिपाए के कॉर्निस कर ले, छिपाए कोशिश कर ले ताकि किसी के पास अपना आंसू छिपाने, महेश्वर था ना महेश्वर, तो सोचा कि नहीं दिखाएंगे तो आंसू छिपा के छिपाने का कोशिश किया। महेश्वर फिर पूछल, तोय हमर पूछल सवाले कोनो जवाब ना देके लोर ढरकाए दिले। महेश्वर देख लिया कि वो मतलब रो रही है, उसका आंखों में आंसू भर आया है, तो वही बोलता कि हमर पूछल जवाब के तो आंसर ना दिले और लोर ढरकाए दिले। ढरकाए दिले मतलब निकाल देना, ठीक है, जैसे लोर निकाल देना, लोर ढरकाए दिले वही बोलता है। इसके बाद देखिए, आर चुप रही गले, आर चुप रही गले मतलब कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद उसको लगा कि उनको कुछ बोलना चाहिए चुनिया को। तब कुछ देर के बाद चुनिया बोलती है, क्या बोलती है देखिएगा, चुनिया क्या बोलती है, बाबा तोहर सवालर के काजे जवाब देबो। चुनिया आँखें के लोर पोछले पोछले बोल ले, बड़ा मुश्किल से हिम्मत की बोलने का, और हिम्मत से बोली लेकिन पूरा आँख भराया उसको, वही बोली, बाबा तोर सवाल का हम जवाब की देबे, मतलब आपका सवाल का उत्तर हम क्या देंगे। ठीक है चुनिया, देखिएगा घरे का मालिक जो है MCC और पुलिस के मुठभेड़ में मराया गया। घर का जो मालिक है और पुलिस के मुठभेड़ में क्या हो गया, मरा गया। आपको बताते पहले स्टार्टिंग में बता दिए थे कि जब भी पुलिस पहुंचता था गांव तो मर्द गला जो था, जो पुरुष लोग था, अगर कम रहता था तो भाग के छिपा जाता था, लुका जाता था कहीं पर, लेकिन अगर ज़्यादा पुरुष रहता था तो मुठभेड़ हो जाता था, दोनों से मारपीट होता था, पत्थर होता जो भी है दोनों से मुठभेड़ हो जाता था, उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाता था। और उसी में से उसका पति जो था, चुनिया का जो पति था, चुनिया का पति डमरू MCC में था, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि डमरू क्या था तो याद रखिएगा कि उग्रवाद था, वो MCC था, ठीक है, बताएंगे आगे स्टोरी में। तो वही मुठभेड़ में वो मारा जा चुका है, तो वही बोलता है MCC और पुलिस एक लड़ाई में मुठभेड़ में मराए गए। छोटे छोटे खेत बारी है, दो चार गो करो नहीं पा रही है। तब वो पूछती कि अपना जीवन अपन कैसे करती है, जब मरा गया तो कैसे चलाती, तब ये बताती कि छोटे छोटे खेत बारी है दो चार गो करो ना पा रही है, खेत बारी ना कर पा रहे। अच्छा आप ही समझिए, जिसका दो चार बच्चा हो, देखेंगे इसका कितना बच्चा भी है, ठीक है, तो बच्चा भी तीन बच्चा है, दो बेटी है एक बेटा है, छोटा छोटा बच्चा है और पति भी नहीं है, तो कैसे खेती करेगी। खेती करना बहुत संघर्ष जीवन है, अकेला आदमी से खेती करना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो वही कहती है कि छोटे छोटे खेत बारी है दो चार गो करो ना पा रही है, करो ना पा रही। कोनो लखे छुआ पोता के, देखिए कोनो लखे छुआ पोता पोसे लागल ही, किसी तरह कोनो लखे, कोनो लखे मतलब किसी तरह, एनी एवर, ठीक है, किसी तरह जो है सो छुआ पोता को पोसे लागल ही, बच्चा को हम पोस रहे हैं। चुनिया के आँखें फैर लोर ढरे गेले, वो जो कुछ भी बोल रही है ना उसका आँख में बार बार आंसू आ जा रहा है। और आपको पता है कि महिलाएं जो होती है एक ममता भरी होती है, छोटी मोटी बातों में भी उसके आँख क्या होता है, भर आता है। पुरुष की तरह निर्दया कठोर पत्थर के दिल की नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या कहती, कौनो लखे तो हो गया आपका, चुनिया का आँखें हो गया, तानी देर तक सभी चुप रहा। सभी चुप रहा मतलब क्या, वहाँ रघु भी है, रघु बेचारा पीने में बिजी है, एक बोतल लिया जे गिलास होगा एकदम टन के सटसटा के पिएगा, चाचा पिया नहीं है। और आपको मतलब हंसी भी लगेगा कि आप जब दो आदमी पीने जाएंगे, अब एक नंबर का पियंकर है और आपका संग साथी जो नहीं पिएगा तो आप बहुत खुश होइएगा कि चलो मेरा ज़्यादा हो गया पीने वाला, पीने वाला बहुत खुश रहता है, समझे ना। तो यहाँ देखिए वो पीने में बिजी था तो सभी चुप रहा, कुछ देर तक सभी चुप रहा, सभी मतलब कौन, तीनों रघु भी महेश्वर भी और कौन चुनिया भी, तीनों कुछ देर तक चुप रही। उसके बाद रघुनाथ बोली उठल, रघुनाथ को शॉर्टकट में रघु बोलते हैं, ठीक है, जो कि महेश्वर का भतीजा है। तो रघु अचानक बोली उठल, गुरुजी बेचरंगी के बड़ी दुखे जिए लागल है। बेचरंगी मतलब बेचारी, चुनिया जो है बेचारी बड़ी दुखे जिए है, इतना दुखे जिए है, एकर मरद के MCC ऑनलाइन ठकी समझाए के अपन गुटे जबरदस्ती राखल थीन, मेंबर बनावल थी। इसका पति जो है वो अब उसका गांव में रहता है ना, रघु उसका गांव का है,
तो रघु जान रहा है किस तरह से डमरू को एमसीसी लोग अपना ग्रुप में मिलाया, सदस्य बनाया, समझे, सब जान रहा है। और ये जो महेश्वर है बहुत दिनों के बाद आया, इसको पता नहीं है। तो वही रघु बोलता है कि जो एमसीसी लोग हैं इसको बड़ा मतलब ठग के, फुसला के, बहला के अपना ग्रुप में मेंबर बनाया है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, बेचारा डमरू बेस होशियार तो नहीं रहे, मगर अपन हिम्मत से अपन परिवार वैसे चलावे है। कह मतलब की है जे रघु है उतना होशियार, रघु नहीं डमरू, डमरू जो है उतना होशियार नहीं है, नहीं था। ये रघु बोल के सुना रहा है कि डमरू जो है उतना होशियार नहीं था, फिर भी बढ़िया से अपना परिवार को कमा खिला के चला रहा था बेचारा। ठीक है, कहता है देखिएगा, एक ओकर साझा बुझा करी के बेसे खाए पिए हलक। ये साझा बुझा क्या होता है? साझा बुझा जैसे कि गांव घर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास ज़मीन नहीं है और हम खेती करना चाहते हैं, हमारा कोई अवसर भी उस तरह से नहीं है कि हम जीवन यापन कर पाए, तो हम खेती करना चाहते हैं, ज़मीन भी नहीं है, तो हम लोग दूसरा के ज़मीन में खेती करते हैं। जैसे लोग अधबटिया करते हैं, अधबटिया मतलब आधा जिसका ज़मीन है उसको आधा दे देना और आधा अपने पास रखना, उसी को अधबटिया कहते हैं। तो यहाँ भी साझा बुझा मतलब वही हुआ, अधबटिया हुआ। तो साझा बुझा करी के मतलब अधबटिया करके अपना परिवार को चला रहा था, लेकिन एमसीसी में शामिल होने के बाद वो मुठभेड़ में डमरू मारा जा चुका है, जिसका दर्द दुख जो झेलना पड़ा वो किसको झेलना पड़ा? चुनिया को झेलना पड़ा। और आपके पता चलेगा कि हम जीअप कैसे, इसका नाम क्यों पड़ा। यहाँ तक सब लोग पढ़ लिए, अच्छी तरह समझ आएंगे। कहते हैं एमसीसी ओलैन के संग लागी के एकर घर की दुर्दशा हिल है। अगर वो एमसीसी में नहीं रहता तो क्या होता उसका घर का ये दुर्दशा, जो छोटा छोटा बच्चा जो है इस हालात में नहीं होता। आपको पहले भी बता दिया जा चुका है, आपको पता भी होगा कि जीव आपके जीवन के निर्माण में दो ही व्यक्ति का अहम रोल होता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण रोल। एक आपका क्या हो गया, एक आपका गुरु हो गया, एक आपका दोस्त हो गया। अगर जीवन में माता पिता के बाद किसी का रोल है तो वो गुरु और ये दोस्त का है। जैसा संग में रहिएगा आपका उसका संगत का असर दिखेगा। और ये जो है जो क्या कहता है डमरू जो है एमसीसी के संग में रहा, सिंपल सी बात, उसका एमसीसी के संग मारा गया, परिवार का दशा हो गया है। रघु बोलते बोलते ठहर गया। ये रघु बता रहा था अपने चाचा की कि बेचारी ऐसा ऐसा हाल है, अगर पति जैसे मराए गए, अगर पति जी रह गया, मतलब बता दिया अपना महेश्वर को, बता दिया काका को, बता दिया। ठीक है, चलिए आगे। मौका मिल रहा है महेश्वर के यागू बात बढ़ावे के। अब महेश्वर फिर से आगे बात बढ़ाया, छोड़ने दिया, पूछते हैं महेश्वर। ठीक है, उस वर्ष से वो पूछल कै गो छुआ हथी एकर। अब पूछा अपना भतीजा से, रघु से, कि अगर केक छुआ है, चुनिया केक बेटा बेटी है, छुआ मतलब बच्चा। तो रघु नहीं बोलता है, रघु को नशा चढ़ गया था तब तक, की बोलता वो मतलब जैसे जैसे चल रहा था, ऊपर नीचे ऊपर कर रहा था, पूरा नशा चढ़ गया था। तो चुनिया खुद ही बोलती, देखता कि रघु नहीं कुछ बोल रहा है। जब पूछा कै गो बच्चा है महेश्वर पूछा ना, तो रघु कुछ नहीं बोलता है। तो चुनिया खुद ही बोलती है कि बाबा हमार दो गो बेटी और ये गो बेटा है, दो गो बेटी है और ये गो बेटा है। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अवसर बार बार नहीं आएगा, याद रखिएगा कि चुनिया के के गो बेटी हलै, के गो बेटा हलै, चुनिया के पति के हलै, चुनिया के पति के एकर संग मारल गेलै, कैसे मारल गेलै, समझे ना, स्टोरी बढ़िया से याद रखिएगा। एकर बादे देखिए कि होता है, बोलता बाबा हमार दो गो बेटी और ये गो बेटा है, लड़कियन बड़ लाग थी और बेटवा छोट लाग है। मतलब दो गो जो बेटी है वो बड़ी है और बेटा जो है वो छोटा है, यह तीन चार बछर कर रहे हैं। बेटा जो है छोटा बेटा वो तीन चार साल का लगभग है, बेटी थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई है। तो चुनिया के बेटा के बछर के रहे हैं, तीन चार बछर के। इसके बाद क्या होता है, कौनो लखे जो मानुस करे पार्लियन से ले कहियो बोनेक दातुन पाते लाई के गांव शहर बाजारे जाई बेची खोची के यापन आर छुआ के पेट पोसही है। वो की बोलती है समझिए, एक एक लाइन का मतलब समझिए। कौनो लखे मतलब किसी भी तरह यदि हम उसको मानुस करे पार लिए, मतलब मानुस करने के खातिर, मानुस का मतलब क्या हुआ, बच्चा को पाल पोस के बड़ा कर देना कि अपना पैर पर वो खड़ा हो सके। ठीक है, ताकि वो कहने का मतलब गांव घर में सुने ना, पहले के ज़माने में क्या होता था कि आज तो हो गया कि हम दो हमारे दो, बच्चा कम हो लेकिन उसको शिक्षा स्वास्थ्य सब कुछ खाना पीना अच्छा मिले। और पहले के ज़माने ऐसा कुछ नहीं होता था, किसी का सात बच्चा है, किसी का आठ बच्चा है, तो उससे ऐसा नहीं था। पहले के लोग क्या सोचते थे, बच्चा हो रहा तो पढ़ाने लिखाने का टेंशन नहीं था, एक ही चीज़ जानते थे ना, कुछ होता था हम गोरखियों करके खाते, समझे ना। गांव घर में ये सिद्धांत था, बच्चा हो रहा तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा होता तो गोरखियों करके खेत है, ये बड़ा सिद्धांत प्रचलन था, समझे ना।
तो यहाँ ये सोच रही है कि मानुष करे पारलिए सेले, मतलब मानुष करेंगे बड़ा करेंगे, वह है खातिर कहियो हम बोने दातुन पात, मतलब जंगल का आज भी ऐसा नहीं कि हमारा ये खत्म हो गया, आज भी चल रहा है। ठीक है, क्या करती महिलाएं, क्या करती जंगल से, जो अधिकतर जो है आपका सखुआ का जो साल है, जो झारखंड का मतलब क्या कर सकते हैं राजकीय वृक्ष है, तो जो साल है जो सखुआ है उसका दतमन जो है तोड़ के आज भी माथा में ला के गाँव बेचती, आज भी शहरों में लगा के उसका ये दातुन बेचती है, और पत्ता भी बिकता है शहर में। अगर आपका शहर में घर है तो देखे होंगे, गांव में भी देखे होंगे, दतमन ला के बेचती है। ठीक है, तो वही बोलती है कि अपना बच्चा को मानुष करने के लिए हम दातुन पतह लाए के, मतलब गांव शहर जाए के बेची खुची के यापनों और छुआ गला के पेट पोसा ही है। चलिए, महुआ दारू चुआवा ही है। ये जो चुनिया है बड़ा दुख दर्द इसका, बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत दर्द ही है इसके जीवन में है। ठीक है, सुख नहीं है जीवन में। आप देखिए, दारू चुआवे ही है एक, अब जब ससुराल आई थी तो इसके यहाँ दारू भी नहीं बनता था, लेकिन जब ये मायके में थी तो वहाँ दारू बनता था, तो थोड़ा बहुत ये जानती थी कि दारू कैसे चुआना है। आप देखेंगे डेक्ची के ऊपर डेक्ची, तीन चार डेक्ची लगा रहता है दारू। झारखंड में हड़िया तो बहुत फेमस है, हड़िया फिर ये पेय पदार्थ जनजातियों का। ठीक है, तो दारू चुआने वो सीख गई थी अपना घर में ही, तो बच्चा को पालने के लिए वो दारू चुआ रही है, और वही दारू पीने के लिए वहाँ पहुँचा था कौन, रघु पहुँचा था, जिसके साथ महेश्वर भी पहुँचे थे, और महेश्वर उसे सवाल जवाब कर रहा। कहता दारू चुआ वही है, दो चार पैसा होवे है, और दो चार पैसा होवे है तो ओकरे से नॉन तेल जुटा वही है। नॉन तेल मतलब खाना पीना जो भी है नॉन तेल राशन में वो अपना चलाती है। तो इस प्रकार से अपना सारा दुख दर्द जो है बयां कर रही महेश्वर के पास से। लेकिन याद रखिएगा, इस स्टोरी का जब पूछ दिया जाएगा कि हम जीव कैसे का मुख्य पात्र के ला गए, और सबका नाम दे देगा इसी स्टोरी से, तब तो फंस जाइएगा। तो मुख्य पात्र कौन है, महेश्वर है, मुख्य पात्र महेश्वर है। और स्टोरी का नाम जो पड़ा है हम जीव कैसे, ये पड़ा है चुनिया के कारण। रघुनाथ तो उठले अक बकायल, मगुर महेश्वर कहल रह सुने दे बेचारी सुख दुख। अब इतना देर से बहस चल रहा है, महेश्वर पूछ रहा है, चुनिया रो रो के बता रही है, अभी बेचारा खींच रहा है इसका आँख जा रहा है कि पीने के बाद तो चढ़ेगा ना, धीरे धीरे चढ़ जाता है ना, समझे, पीने के बाद तो चढ़ जाता है, तो इसको नींद भी लग रहा था कि जल्दी यहाँ से भागेंगे उठेंगे। तो वही बोलता है अपना चाचा को, काका को महेश्वर कि चल अभी घर। तो बोलता है रुक बैठ, पूछे दे हमारे बेचारी के दुख दर्द, घरे जाके ना, देखिए बोलता है घरे ना जाके। वही बोलता है बेचारा करेगा कि काका है पहली बार आया है, बात भी मानना पड़ेगा, वहीं बैठ के झूमने लगा। और महेश्वर पूछ रहा है प्रश्न उत्तर, देखिएगा महेश्वर फिर पूछल, फिर मतलब दोबारा पुनः अगेन, समझे ना, तो महेश्वर फिर पूछल बेटियन के स्कूल भेजे कि नहीं, नहीं मतलब नहीं बेटियन के, बेटा तो नहीं बोला, बेटियन के बेटा बेटा छोटा है, तो बेटियन के स्कूल भेजा ही कि ना, चुनिया से पूछता है। तो चुनिया को जीवन का एहसास रहता है कि गांव घर में वो मतलब ये दतमन बेचती है, तो देखती कि हमें इतना क्षमता नहीं है कि हम अपना बच्चा को पढ़ा पाएंगे, वो देखती कि हमारे से जैसे और भी जो गरीब है वो नहीं पढ़ा पाता अपना बच्चा को। तो ये क्या कहती है, स्कूल का भेजे पारवे बाबा, स्कूल का भेजे पारवे बाबा, ये गो छुआटी घर ओगरे की बबुआ के खिलावे ही रखे ही, और बड़की छगरी पटरू दूगो है ओकरे चरवे बजवे में रहे हत। अब ये कहती है कि स्कूल कैसे भेज पाएंगे बाबा, दूगो बेटी है, बड़ी बेटी क्या करती है जो वो छगरी पटरू दूठो है घर में, छगरी पटरू छगरी जानते हैं, दुर्गा पूजा चल रहा है, छगरी पटरू तो सबके यहाँ बंधा गया होगा अभी, समझे ना। तो छगरी पटरू क्या हुआ, छगरी माँ हो गई और पटरू उसका बेटा हो गया। तो जो बकरा होता है उसको मतलब बकरी के बच्चा को पटरू कहते हैं, पटरू, समझे ना, अब बड़ा हो गया तो वही कहता है पटा या बकरा। तो वो कहता छगरी पटरू जो दुग है वकर चरवे है बजवे है, क्योंकि गांव घर में ये बड़ा प्रचलन है कि मतलब बच्चा छोटा पटरू को रखता है और बड़ा करके बेच देता है, एक अच्छा अमाउंट भी जो हो जाता है और कुछ काम भी कर लेता है। तो वही कहती, तो बड़की बेटी क्या करती है, दो तीन को छगरी ले ली है पटरू है, उसको चराती है, उसी को खिलाती है और उसमें अपना समय निकालती है। और छोटकी जो बेटी है वो जो उसका बेटा है बेटा को रखता है, बेटा को खिलाता है, समझे ना। तो जब वो दोनों का, और ये भी कहती है कि देखिएगा कि बापा रहल थे तो उस छुए ने स्कूल जितले, बड़ा दुख है,
बात भी सही कह रही कि किसी का पिता रहे और वो बेटी स्कूल नहीं जाए, ऐसा मतलब क्या कर सकते हैं, पॉसिबल ही मतलब इम्पॉसिबल है। पापा रहेगा तो बेटी स्कूल जाना ही जाना है, क्योंकि एक लड़की के जीवन में दो ही स्टार होता है, याद रखिएगा, शादी से पहले पापा, लड़की के जीवन में उसका स्टार कोई है, भगवान से बढ़कर मानते बेटी लोग अपना पापा को, याद रखिएगा, तो उसका जीवन में दो ही स्टार होता है, शादी से पहले पापा और शादी के बाद पति, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते कि बापा रहते रहतले तो छवेन स्कूल जितले, जरूर जितले अगर बापा रहते तो बापा है ना, बाबू हम किस्मत, हमार किस्मत फूटल है तखन ककरा दोष देबे, अब ऐसा हो गया है पति मारा जा चुका है तो किसको आप दोष दीजिएगा। लास्ट में लोग कहते हैं जब कुछ नहीं हो पाता है जीवन में तो कहता है किस्मत ही साथ नहीं दिया, किस्मतों में लिखल ना हाल है, एक बात है ये बात बोल के संतुष्टि मिल जाता है कुछ हो चाहे नहीं हो। मान लीजिए कि हम बहुत बड़ा एग्जाम दिए, एग्जाम निकाल लिए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ दिन दुख दर्द रहता है, फिर कहता है किस्मतों में ना लिखल है, ये वर्ड अंदर से ताकत देता है जीने के लिए, कहती है कि बाबू हमारी किस्मत फूटल है तो हम ककरा दोष देबे। चलिए, बड़ छुआटी छगरी पटरू नाई देखे तो छुआ के लुगा लुगा फाटा कहाँ के कहाँ ले देते, अगर बड़की बेटी छगरी पटरू के ना देते उसके कपड़ा तपड़ा कहाँ से ले देवे, इसका मतलब है छगरी पटरू के बेच के कपड़ा तपड़ा बच्चा के लिए लेती है। छोटकी छोटकी बाबूटी के जो दिना रखता है तो हाट बाजार कहूँ ना जाए पारब हम, छोटकी बेटी जो है अगर बाबू के बेटा के ना रखते ना खेले जाए तो हम जो दतुन दतुन बेचल जाए या फिर क्या कहते हैं उसको पात बेचल जाए गाँवें गाँवें शहर शहर से ना करे पार भाई, ठीक है। फिर एखिन के खिलावे कैसे, ये सब कैसे खिलावे जब सब उतना काम नहीं करते, तो इसके बाद कहता है जेकर ठीन धान संपत रहे है सामांग निचुत रहे है ओखने छुआ पोता के पढ़ावे पारे है। कहने का मतलब क्या है, जिसकी कहती कि जिसके पास धन संपत्ति है, पैसा है, शरीर बढ़िया है, कमा रहा है, तो वही सब अपना बेटा बेटी को पढ़ा पाता है, हमारे जैसे ये चुनिया कहती है हमारे जैसे असहाय लोग गरीब लोग अपने बेटा बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा, इसके बाद क्या होता है, कौनो ऐसन घर ई आसे पासे टोलाएँ ना जहाँ हम धांगरिन रही के छुआ के स्कूलें पढ़ौतिन, ये भी कहती है। अक्सर पति के मर जाने के बाद महिलाएं का जीवन बहुत दुखमय हो जाता है और वो क्या कहती है कि हमारे अगल बगल में ऐसा भी घर नहीं है जहाँ पे हम धांगरिन रह के मतलब अपना जीवन यापन कर सके, कमा सके, ठीक है। धांगरिन का मतलब क्या होता बताते हैं, धांगरिन का मतलब होता है आप गांव घर में दाई सुने होंगे या फिर जो प्रशिक्षण केंद्र होता है जनजातियों का, जैसे गिट्टी ओड़ा हो गया, धुमकुड़िया हो गया, तो वहाँ पे जब लड़का लड़की को रखा जाता है तो लड़का को देखभाल करने के लिए धांगर होता है, लड़कियों की देखभाल करने के लिए धांगरिन होती है। तो वही कहता है कि हमारे आस पास में ऐसे घरों न है जहाँ पर धांगरिन का काम मिल, अगर धांगरिनों का काम मिलता है तो अपन बेटा बेटी के जरूर पढ़ी तलिए, क्योंकि वहाँ काम करती तो पैसा उसको मिलता ही मिलता। चुनिया फिर बोले लागल अपन सब लाज बीज छोड़ के ककरो लोड़िनो रहले तो हमार ई छुआ पोता के नी देखे सामरे देतक, कहने का मतलब याद समझिएगा थोड़ा सा वर्ड लिखा लोड़िनो, ठीक है। चुनिया फिर बोल रहे, यहाँ चुनिया क्या कह रही है कि अगर हम किसी के, जैसे वो विधवा हो चुकी है लेकिन अब किसी के साथ वो फिर अगर रहने लगती है तो ऐसा भी तो गारंटी नहीं कि अब जिसके साथ रहेगी वो उसके बच्चा को सही से लालन पालन करने देगा कि नहीं, उसको पढ़ने देगा कि नहीं, ये बात ये कह रही है, ठीक है। सेले और इसीलिए जखन तक हम अपन छुआ के पौध नहीं करे पारलियन, पौध मतलब पौधा के पौधा, और यहाँ पर छुआ को मतलब जब तक बड़ा नहीं कर पाएंगे तखन तक आरो हमार सोचे कि उपाय नखे, ये अभी तक यही सोची है कि हम दारू चुवाएंगे और जंगल से पत्ता लाएंगे और दतमन लाएंगे, उसको हम बेचेंगे और अपना बच्चा को क्या करेंगे बड़ा करेंगे, जब तक ये पौध मतलब जब तक मेरा बेटा बेटी बड़ा नहीं हो जाता है तब तक। आगे देखिए, कहता है MCCR सरकार कर पुलिसर कर मारल हम उठे जे ना पारल ही, उठे जे ना पारल ही मतलब होता है ना आपके आपके आप मतलब मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके जीवन में लगातार इतना समस्या ही आ रहा है कि आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो यही कहते हैं कि MCC और जो पुलिस का जो और सरकार का जो मरल दर्द है उसी के कारण से हम अपने जीवन में उठ नहीं पाए, प्रोग्रेस नहीं कर पाए, मेरा पति जो है सो मारा गया, हम कैसे जिए बाबा, यही वो बोलती है कि हम कैसे जिए। और ध्यान दीजिएगा,
हम जियब कैसे, या तो हम कैसे जियब, बात तो एक ही है लेकिन नाम रखा है हम जियब कैसे, वही बोलते कि हम कैसे जियब, ठीक है। और इतना कह के चुनिया चुप हो जाती है, चुनिया के चुप होने के बाद रघु भी चुप हो जाता है और महेश्वर भी चुप होता है। फिर कुछ देर में रघु और महेश्वर वहाँ से निकल चला। तो इस प्रकार से हम लोग क्या पढ़े कि कस्टोरी पढ़े, कस्टोरी का नाम क्या था, हम जियब कैसे। तो इस तरह से हम लोग देखे हम जियब कैसे, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सारा क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। अब रही बात चैट बॉक्स का, जो एप्लीकेशन का चैट बॉक्स है, वहाँ पे काफ़ी कमेंट आया कि सर वीडियो का लेंथ लंबा कीजिए, और इस तरह से आपको ऐसा लगता है कि आपको भय लग रहा होगा कि कोर्स ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है, आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा हमको मतलब वो फिकिर है, खोटा मतलब फिकिर है, चिंता लगल है हम, ठीक है, कि 3 महीना में जो है सिलेबस जो है आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। बहुत हद तक ये संभावना है कि 3 महीना होते होते सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।